हे हमारे फैमिली मेंबर्स, सब बढ़िया। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे उथोपिया ओरिजिन। जैसा कि यार पिछला एपिसोड में मैंने ट्री मॉन्स्टर से पंगे लिए थे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन आज हम जिस मॉन्स्टर से पंगे लेने जा रहे हैं ना, वो ट्री मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो हमेशा एक झुंड में रहता है। अब तुम सोच सकते हो काफी ज्यादा खतरनाक, एक मॉन्स्टर ही काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो झुंड में रहता है। जब भी हम झुंड में जाएंगे वो सब मिलके एक साथ मेरे ऊपर अटैक करेगा। सो आज हम उससे बच के कैसे अटैक करने वाला है, कैसे मारने वाला है, इसको देखने के बाद ना तुमको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो इसी बात पे तुम अभी वीडियो को कर सकते हो लाइक, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो फिलहाल सब्सक्राइब। और यार मैंने लास्ट में चैनल का शॉर्ट आउट भी दिया है, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना, उसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे। मैंने अपना जादुई छड़ी निकाल लिया और यहाँ से अब चलते हैं मॉन्स्टर के पास और सीधा उससे जाके पंगे लेने वाले हैं। सो यार चलते हैं अब आगे। और यहाँ से मैंने जादुई छड़ी के ऊपर बैठ ली और यहाँ से अब चलते हैं आगे। वो सामने वाला जो घर दिख रहा है ना, उसके नीचे बहुत सारा मॉन्स्टर है जिन्होंने यार मुझे दो बार पिछाड़ दिया है पहले, जिसका मैंने यार सोचा था कि मैंने इसको किसी तरह मुझे मार देना है, लेकिन यार मैं मार नहीं पाया उसको। सो अभी मैं इसका गेम प्ले बना रहा हूँ और इस बार मैं ट्राई करूँगा किसी तरह मैं उसको मार दूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था इसको मारने के लिए, लेकिन मैं मार नहीं पाया था। अब तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे मॉन्स्टर है लेकिन एक साथ में है, और उसका एक गुस्सा मेरे आधा हेल्थ को कम कर देता। फिलहाल यार अभी तुम उस बीच वाले बॉक्स को देख सकते हो जिसका रक्षा वो लोग मिलकर कर रहा है। उस बॉक्स में जरूर कुछ ऐसा है जिससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, और इसी के वजह से वो हमें भिड़ने नहीं दे रहे उस बॉक्स के पास। लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा ढीठ बनता हूँ, मैं उस बॉक्स के अंदर क्या है वो जान के रहने वाला हूँ, और जो भी है वो हासिल करने वाले हैं। सो अभी तो मैं ऐसे पंगे नहीं लूंगा उससे, पहले मुझे जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब जादू कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि अपने साथ एक मॉन्स्टर का होना जरूरी है। मुझे थोड़ा बहुत यार हेल्थ तो कम से कम प्रोटेक्ट तो करेगा ना। तो यहाँ से अब जादू इसके ऊपर करते हैं, और यहाँ से आ चुका अपना रॉक मॉन्स्टर जिसके साथ मिलके हम उससे पंगे लेंगे, ताकि मुझे थोड़ा सा तो राहत मिले। तो हेलो भाई साहब, तुम यार एक एक करके मेरे साथ आओ। अबे दो बंदे क्यों आ रहा है भाई? अबे यार तू नहीं सुधरेगा, ये ले। अबे साले मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर दिया यार, देख सकते हो तुम, मैंने मात्र दो गुस्से मारा यार, इन्होंने एक गुस्सा मारा और मेरा आधा हेल्थ डैमेज कर दिया। अगर मैं इसके पास रहूं तो ये मुझे तुरंत मार देगा। सो अभी मैं इसको रपेट के इसके पास पहुंचा देता हूं, और देख सकते हो मेरा मॉन्स्टर उसको वहां पे जाके मार रहा है, और देखते हैं मेरा मॉन्स्टर कितनी देर तक टिक पाता उसके सामने। और ये मार रहा है गुस्से। मैं फिलहाल अपना हेल्थ बढ़ाने के लिए स्ट्रॉबेरी खा रहा हूं, और मैंने अपना पूरा इंतजाम कर लिया है बहुत पहले ही। और देख सकते हो मेरा मॉन्स्टर अभी भी उसको ठिला रहा है, लेकिन उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है यार। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो ये अबे यार इन्होंने तो मेरे मॉन्स्टर को भी मार दिया, क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये लोग। मैं पता नहीं इससे कैसे भिड़ने वाला हूँ, मुझे अब अकेला ही भिड़ना पड़ेगा। तो ये ले बेटू, अबे यार ये तो तीन तीन आ रहा है, मैं मुझे एक से पंगे लेने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है इससे, और ये तीन तीन आ रहा है। और अबे यार देखा, यही होता है यार, एक गुस्सा और मेरा हेल्थ पूरा डैमेज। अब तुम सोचो मैं इसके साथ कैसे पंगे लूंगा यार, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इन्होंने मुझे पूरा ख़त्म कर दिया। सो अब मैं दोबारा से उसी के पास जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जब तक मैं उसको ख़त्म ना कर दूँ मुझे मज़ा नहीं आएगा यार, क्योंकि मुझे उसको ख़त्म करना है किसी तरह। सो अभी हम उसके पास चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल यार भाई, तुम लोगों में से मेरे सब्सक्राइबर लोग जितना या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको इस गेम के बारे में अगर कुछ भी नॉलेज हो ना, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं भी इस बार न्यू ही खेल रहा हूँ, और मैंने यार थोड़ी बहुत नॉलेज इधर उधर से इकट्ठा किया है जिसकी मदद से मैं इसको प्ले कर पा रहा हूँ। अगर तुम लोग में से कोई भी खेल रहे हो सो कमेंट करके बता देना किसमें कैसे क्या होता है, और मैं उस कमेंट को अगले वीडियो में हाईलाइट करके उसका प्रयोग करने वाला हूँ। सो हम इसको एक मिथ्स के तरह ट्राई करेंगे। अगर यदि तुम लोग को इस गेम के बारे में कुछ भी नॉलेज हो तो फटाफट यार कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं उस कमेंट को अगली बार हाईलाइट कर सकूं। सो इसी बात पे हम लोग अब आगे चलते हैं, क्योंकि यार हमें मॉन्स्टर की धुलाई भी करनी है अभी। सो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, और मुझे फिलहाल कुछ स्ट्रॉबेरी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हमें
हेल्थ बढ़ाने में मदद मिल सके। तो अब यहाँ से हम मुझे मेरा घोड़ा तो नहीं चढ़ पाएगा, मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से इस बार घोड़े को बुला लेते हैं और अब अपना लोकेशन काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। अब मुझे किसी तरह आगे जाना है और उसके देखो इस बार मैं इससे पंगे नहीं लेने वाला हूँ। इसके पिछले वाले मॉन्स्टर में जो वहाँ पेड़ जो दिख रहा है सामने जो पेड़ है उसके पास भी इसी तरह का मॉन्स्टर है और उसके पास भी इसी तरह का एक बॉक्स रखा हुआ है, जिसको कि यार मुझे पहले इसी को ख़त्म करना है ताकि मैं इससे पंगे ले सकूं और इसका जान सकूं कि इस बॉक्स में क्या रहता है। तो मैं फिलहाल अभी इसी से पंगे लेने वाला हूं। तो ये लो बिड़ू, तुम ही पहले ले लो मार और उसके बाद। अब ये लोग देख सकते हो यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये तो मेरे साथ दोनों अटैक कर रहा है भाई। अबे यार तुमको तो मैं बिना मारे नहीं जाऊँगा, इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, मुझे किसी तरह इसको ख़त्म करना, उसके बाद मैं जाऊँगा। अबे यार मैं भी मरने वाला ही था, तुम देख सकते हो मेरा आधा हेल्थ डैमेज हो चुका है, आधा से ज़्यादा थोड़ा सा बचा था, अगर मुझे एक गुस्सा और लगता ना मैं तो समाप्त था। सो यार यहाँ से हटने का मकसद मेरा हेल्थ बढ़ाना होता है, तुम देख सकते हो मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और मैं यहाँ से कुछ स्ट्रॉबेरी भी खा लिया हूँ जिसकी मदद से मेरा हेल्थ बढ़ रहा है और मैं अपने बॉडी से जो भी मुझे पिछले बार मार दिया था उससे कुछ सामान चीज़ें कलेक्ट कर लूँगा ताकि मुझे आगे मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। सो यहाँ से अपने मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन, मिस्टीरियस बॉक्स नहीं यार, अपना डेड बॉडी को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं ताकि मुझे ये सब फिर से बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ से गाजर भी उठा लेंगे और ये तीर धनुष भी उठा लिया मैंने और अब यहाँ से चलते हैं, मॉन्स्टर को पहले बुलाएंगे उसके सामने, तब उसके साथ जाके पंगे लेंगे। तो ये अपना मॉन्स्टर भी आ चुका, फिलहाल ये मेरे कोई कर्म का नहीं होता यार। मैंने सोचा था ये जितना ज़्यादा देखने में भयंकर लग रहा है उतनी ज़्यादा इसके मार भी होगी, ये एक गुस्से से पूरा मॉन्स्टर को ख़त्म कर देने वाला है, लेकिन ये वैसा नहीं है यार, मुझे सारा चीज़ करना पड़ता है। तो भाई तुम तो यार बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हो, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये ले बिड़ू, ये ले अबे तुम घुमा क्यों रहे भाई, अबे लग रहा है भाई। हाँ तुम देखो वो सामने वाला पीछे से मेरे ऊपर तीर चला रहा है और मेरा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है साला। अबे मॉन्स्टर मेरा देख सकते हो कुछ नहीं कर रहा यार, तुम जाके मारो ना उसको, कहीं यार इसका समाप्त हेल्थ फिर से पूरा ना हो जाए। तो मुझे यार जल्दी से जाना पड़ेगा उसके पास क्योंकि उसका हेल्थ बहुत, अबे यार देखो फिर से शुरू हो चुका है और मुझे इसको फिर से ख़त्म करना पड़ रहा है। तो ये ले भाई, ये ले अबे मारो ना बे, अबे ऐड क्यों आ रहा भाई, इसको मारते अब थोड़ा सा बचा, इसको समाप्त कर ही दूंगा क्योंकि मेरा भी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुका है यार। अब मैं बच चुका हूँ, अब देखो एक मॉन्स्टर बचा है जिससे पंगे लेके उसके बाद मैं इस बॉक्स को ओपन कर सकता हूँ। सो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से हेल्थ अपना बूस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इससे पंगे लूँगा। इसको तो मैं किसी तरह यार संभाल लूँगा अकेले, ये टकले को तो मैं किसी तरह अभी, ये ले बिड़ू तू उधर क्या कर रहा है, ये ले साले तेरा टकला फोड़ दूंगा मैं अकेला ही, क्या समझ रहे हो यार, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है साथ में मिलके और ये वही टकला मॉन्स्टर है जिसका एक गुस्सा आधा हेल्थ डैमेज कर देता है और ये झुंड में रहता है। तो फिलहाल ये अकेला पकड़ा गया, इसका तो मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ अभी। और ये देख सकते हो यार मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दिया है इन्होंने, अब मैं साले, अबे रुक बे कहाँ जा रहे हो, ये नहीं मानेगा। तो ये ले टकले, अबे इसका फिर से हेल्थ पूरा हो गया यार, साला इसका हेल्थ तो तुरंत पूरा हो जाता यार, लेकिन मुझे भी अपना हेल्थ बढ़ाना होगा। इस बार मैं अपनी हेल्थ को पूरा बढ़ाने के बाद ही उस पर अटैक करेंगे। तो यहाँ से फिलहाल स्ट्रॉबेरी को कलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और इस बार हम किसी तरह इसको समाप्त कर देंगे क्योंकि ये अकेला है और ये अकेला ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार। तो इसके साथ सोच समझ के पंगे लेना होगा और इस बार मैं इसको पूरा ख़त्म करने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मैं मरूं या इसको मारूं, लेकिन इस बार मैं मार के रहूंगा। तो ये ले टकले, थाले तेरी टकले की ऐसी की तैसी, इस बार तो तू गया बेटे, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये ले अब समाप्त हो जा, हाँ इस बार देखो यार जाके ये समाप्त हो चुका है। और यार अब यहाँ से मुझे कुछ तीर मिला और जिसको मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया और सबसे मेन चीज़ इस बॉक्स को खोलना है। तो ये बॉक्स को खोलने का कोई चांस ही नहीं यार, इसको क्या मारना पड़ेगा क्या, ये तो बॉक्स खुलने का नाम ही नहीं ले रहा यार, कैसे होता ओपन, कुछ ऑप्शन भी नहीं दे रहा भाई। और यार मेरा एक्स भी रिपेयर करने का ऑप्शन दे दिया, अब फिलहाल मैं इसको पता नहीं कैसे करूं, इसको कलेक्ट करने के लिए मुझे इस बॉक्स को फोड़ना पड़ेगा क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मैं कैसे खोल सकता हूं ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है, इसमें कोई चाबी वगैरह लगाना पड़ता है क्या, मुझे ये भी पता नहीं चल रहा यार। सो अब इस पेड़ को पहले काट लेते हैं, शायद हो सकता है इस पेड़ को काटने के बाद जो है इसको आप बॉक्स खुलने का कोई राज मिल सके हमें। सो इसको आप मार के खोल लेते हैं क्योंकि ये पेड़ सबसे अलग है, शायद हो सकता है इसको काटने के बाद वो बॉक्स ओपन हो जाए। तो अभी इसको काट लेते हैं पहले,
थोड़ा सा बचा इसको कटिंग करने में, और ये यहाँ से कट चुका है पेड़, और यहाँ से अब इसको हम कलेक्ट करेंगे। हाँ, तो मुझे कुछ लकड़ियाँ मिला, इससे ज़्यादा वुड मिला है मुझे, तो अब तो खुल जाओ यार, अब क्या चाहिए भाई। यार यहाँ से भी अभी भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, तुम लोगों को पता है क्या इसको कैसे ओपन करते हैं? सो फटाफट यार कमेंट कर दो। पता नहीं, मैं हो सकता है पिछली बार इसको देखने के बाद मैं इसको खोलने का प्रयास करूँगा। सो यार यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया इसको ओपन करने का, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। अब ये कैसे होगा पता नहीं, फिलहाल मुझे गन भी बनाना पड़ेगा, अभी बहुत चीज़ें क्राफ्ट करनी है। सो इसको तो मैं बाद में बनाऊंगा। यार देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गन भी है, फायर वगैरह भी, जिसको तो मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा। लेकिन ये खुलता कैसे भाई, मेरा इतना ज़्यादा मेहनत बेकार हो गया यार। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद इसको खोलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसका। सो यार तुम लोग कमेंट जरूर कर देना ब्रो कि इसको कैसे खोलते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल मैं यहाँ से एक मॉन्स्टर बुलाता हूँ, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। अब मेरे पास दो मॉन्स्टर हो चुका है, आप देख सकते हो दो मॉन्स्टर हुआ। अब इससे पंगे लेने में शायद हो सकता है मुझे आसान हो, तो क्यों भिड़ू, भिड़ेगा क्या मेरे साथ यार? हाँ, तो इससे एक आया, साले तेरी ऐसी की तैसी, अबे मार बे दोनों मिल के, क्या कर रहे हो भाई? अबे यार मुझे अकेला छोड़ देता यार ये लोग, और मेरा हेल्थ को पूरा ख़त्म कर देता ये लोग। नहीं यार, इससे पंगे लेना अभी बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इससे मैं मारे जाने वाला हूँ। इसको मैं नहीं मार सकता क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, मुझे लेवल्स और भी बढ़ानी पड़ेगी शायद इससे पंगे लेने के लिए। और देख सकते हो मेरा यहाँ तक पीछा किया उन्होंने यार, तो मुझे यहाँ से अब निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दुख तो ये हुआ यार कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब तक उस मिस्टीरियस बॉक्स को मैं ओपन नहीं कर पाया यार, शायद हो सकता है इसको भी मारने के बाद शायद इस बॉक्स को भी ओपन ना कर सकूं। तो ब्रो यार कमेंट करके जरूर बता देना कि उस बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं। फिलहाल मैं कुछ बंदे का शॉर्ट आउट देने वाला हूं, जिस भाई ने मुझे प्यारा प्यारा सा कमेंट किया है। तो ये भाई को देख सकते हो, इन्होंने मुझे बताया कि मैं भी आपका न्यू सब्सक्राइबर हूं, तो थैंक यू सो मच ब्रो, लेकिन यार झूठ मत बोलना ब्रो। सो फटाफट मैं दूसरा कमेंट के ऊपर चलता हूँ, और ये तुम देख सकते हो काफ़ी मस्त मस्त प्यारा प्यारा सा कमेंट किया है इस भाई ने कि भाई अगला एपिसोड कब आएगा। सो इसके लिए थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा प्यार करते हो अपने भाई को, और इसी तरह प्यार बनाए रहो यार मेरे ऊपर, और मैं भी आप लोग के लिए इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।